सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है मेरे पास बजट प्राइस में आने वाला iBall की तरफ से एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस, जिसे आप Amazon से परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इस वायरलेस कीबोर्ड माउस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वायरलेस कीबोर्ड माउस की, और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी क्वालिटी और वायरलेस रेंज की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ इसके मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है, और बॉक्स में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसके कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये वायरलेस कीबोर्ड माउस आता है 2.4 GHz के वायरलेस ट्रांसमिशन के साथ में। इसमें आपको टोटल 105 कीज मिल जाएगी और वेट रहेगा इसका 355 ग्राम्स। यहाँ इस तरफ हमारे वायरलेस माउस की स्पेसिफिकेशंस और इसके वेट को मेंशन किया गया है। बॉक्स में ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पर बताया गया है इसके MRP के बारे में। तो MRP तो है इसकी 1699, पर आप इसे Amazon से 899 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इस वायरलेस कीबोर्ड माउस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। और बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा ये वायरलेस कीबोर्ड। तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से काफ़ी बढ़िया से और स्लिम डिज़ाइन में हमें ये कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। और फर्स्ट इंप्रेशन में इस कीबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। iBall का ये कीबोर्ड है, तो ऐसे में यहाँ पर आई की को रेड कलर में स्पेशली हाईलाइट किया गया है। कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्लिम और कॉम्पैक्ट है। और इसे पहले जो मैंने iBall का मैजिकल डुओ 2 वायरलेस कीबोर्ड माउस का रिव्यू किया था, वो कीबोर्ड आपको फुल साइज में देखने को मिल जाता था, और उस वीडियो का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने माउस की तरफ। और माउस आता है कुछ इस तरह के बॉक्स में, जल्दी से हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वायरलेस माउस जो कि आता है काफ़ी ज़्यादा शाइनी और ग्लॉसी फिनिश में। कीज़ की क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नीचे की तरफ iBall की ब्रांडिंग है, और माउस में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका ऑन ऑफ स्विच। ये है इसका नैनो USB वायरलेस रिसीवर जो कि आता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट से साइज़ में। और इस वायरलेस कीबोर्ड माउस की रेंज रहेगी 10 मीटर की। माउस में बैटरीज ऑलरेडी इंसर्टेड है, और फर्स्ट टाइम माउस को यूज़ करने के लिए आपको इस पेपर को पुल करना होगा। और उसके अलावा माउस में लगेगी 2 AAA साइज़ बैटरीज जो कि आपको नॉर्मल यूजेज में आराम से 6 से 8 महीने का बैटरी बैकअप दे देगी। तो फ्रेंड्स, माउस के बाद अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं अपने वायरलेस कीबोर्ड की। तो हमारा वायरलेस कीबोर्ड आता है काफी स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन में। इसमें आपको टोटल 105 कीज मिल जाएंगी, और इसमें आपको कोई भी मल्टीमीडिया की देखने को नहीं मिलती। इसकी आई की को स्पेशली यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट किया गया है, और स्पेस बार पर भी iBall की ब्रांडिंग है। यहाँ इस तरफ आपको 3 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नम लॉक, कैप्स लॉक और लो बैटरी इंडिकेटर। कीज़ की क्वालिटी की बात करें तो कीज़ इस पर आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलती हैं, और ऐसे में इस पर आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। कीबोर्ड में पीछे की तरफ इसके मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है, और कीबोर्ड को टिल्ट करने के लिए हमें कोई भी स्टैंड यहाँ पर नहीं मिलता। हालांकि इसमें हमें नीचे 4 छोटी छोटी सी ग्रिप्स मिल जाती हैं, जिससे ये कीबोर्ड इजीली टाइपिंग करते वक्त स्लिप ना हो। फर्स्ट टाइम इस कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए आपको इस पेपर को पुल करना है, और इस पर भी माउस की तरह ही लगेगी 2 AAA साइज बैटरीज। बैटरी बैकअप की ये तो हम बात करें तो ये वायरलेस कीबोर्ड माउस आपको आराम से 6 से 8 महीने का बैटरी बैकअप दे देंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम अपने वायरलेस कीबोर्ड माउस को अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। आपको इस वायरलेस रिसीवर को किसी एक USB पोर्ट पर कनेक्ट करना है, और उसके अलावा ये वायरलेस कीबोर्ड माउस आपका टैबलेट और या फिर आपके स्मार्ट TV के साथ में भी अच्छे से वर्क करेगा। आप इसे जिस भी डिवाइस के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो, आपको बस इसका वायरलेस रिसीवर उसके साथ में कनेक्ट कर देना है। माउस को ऑन करने पर आपको कुछ इस तरह की रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती दिखाई देगी। तो हमारा वायरलेस कीबोर्ड माउस यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, और देख लीजिए आप, यहाँ पर माउस भी काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ में ये माउस आता है, और इसकी कीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। माउस के बाद अब हम जल्दी से अपने कीबोर्ड को भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। कीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये कीबोर्ड कॉम्पैक्ट होने के बाद भी इस पर आपको फुल साइज़ कीज देखने को मिल जाती है। और आखिरी में तो हम इसकी वायरलेस रेंज की बात करें तो इस पर आपको लगभग 10 मीटर की रेंज मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रूम के लिए सफिशिएंट है। हालांकि इसमें हमें मल्टीमीडिया कीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन यार कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्लिम और कॉम्पैक्ट है, तो आप इसे इजीली अपने लैपटॉप बैग में भी कैरी कर सकते हो। और उसके अलावा इसमें आपको क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसकी वायरलेस रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 800 से 900 रुपये की रेंज में ये कीबोर्ड एक अच्छी डील है। तो यार, ये तो आप एक बजट प्राइस में एक अच्छा वायरलेस कीबोर्ड माउस ढूंढ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए। और उसके अलावा मैंने इसके दूसरे मॉडल के रिव्यू वीडियो भी ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।